जिला हमीरपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के बिगड़ते हालातों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा ने चिंता व्यक्त की है। हमीरपुर में किडनी के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला अस्पताल में किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस मशीन स्थापित की गई थी, लेकिन आज दिन तक लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। किडनी के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिले, इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र भी भेजा था, लेकिन आज दिन तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा ने कहा कि हमीरपुर जिला में किडनी के मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस मशीन रखी गई थी, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बार बार ज्ञापन भेजने के बाद भी सरकार ने किडनी के मरीजों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमीरपुर गुवारडू के कार्यालय में आए दिन लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जिनमें ज्यादातर सड़कों, पेंशनों, मकानों की मुरम्मत, मकानों के लिए अनुदान आदि समस्याओं को लेकर लोग पहुंचते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके हल भी करते हैं। रविन्द्र सिंह डोगरा ने बताया कि लोग अपनी उन समस्याओं को लेकर आते हैं जो कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कभी पूरी नहीं की और न ही अब भाजपा की सरकार पूरी कर रही है। उन्होंने बताया कि लोगों की पेंशन, सड़कों की मुरम्मत, मुआवजा, डंगे निर्माण आदि समस्याओं को लोग ज्यादातर पहुंचते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। हम हफ्ते में तकरीबन 6 दिन होते हैं अपने ऑफिस में, सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक, और 6 के 6 दिनों में लोग हमारे पास आते हैं अपनी अपनी समस्याओं के लिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग अपनी ऐसी समस्याओं को हमारे पास लेके आ रहे हैं जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कभी पूरी नहीं करी और ना ही आज की भाजपा सरकार पूरा कर पा रही है। मुख्यतः जो लोगों की समस्या आती है वो पेंशन संबंधी आती है, उनके घरों तक जो रोड जा रहा है वो टूटने की, या उनके डंगे निर्माण की समस्या आती है, या ऐसी समस्या आती है कि जिनको अनुदान मिलना चाहिए था उनको आज तक अनुदान नहीं मिला है, या जिनका मकान बनना चाहिए था पिछले 2-2 साल से उनकी पेंडेंसी इतनी पड़ी हुई है कि वो इंतजार कर रहे हैं कब सरकार उनको पैसा दे और अपना मकान बनवाए, राजीव आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के तहत। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का जो इतना अभाव है उसकी बहुत ज्यादा समस्या आ रही है कि किडनी पेशेंट हमारे हमीरपुर जिले से भी काफी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किडनी की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हमीरपुर में भी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से मशीन पड़ी है, लेकिन उसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को हमने 2-3 बार ज्ञापन भेजा है और लोगों के दस्तावेज भी भेजे हैं, लेकिन 8 महीने में बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी जयराम सरकार ने किडनी पेशेंट्स के लिए अभी तक कुछ नहीं किया।